आपके पति ने गर्लफ्रेंड छुपा रखी है बेड के पीछे? क्या? वो कुछ नहीं, मैं बोल रही थी मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है। हाँ बाबू, आप आराम कर लो, क्योंकि आज वैसे भी संडे है, छुट्टी का दिन है, आज तो आपको ऑफिस थोड़ी जाना है। ठीक है ठीक है, आप आराम कर लो। ठीक ठीक, लेट जाओ। अरे आजा आजा बसंती। अरे कहीं ये तुम्हारी वाइफ न उठ जाए। अरे तुम कैसी बात कर रही हो, इसको ना मैंने इसकी चाय में चार चार नींद की गोली दे रखी थी, क्योंकि मुझे पता था आज मेरी गर्लफ्रेंड जो आने वाली है और संडे है, ये अब शाम को उठेगी और हम ना पूरी मस्ती करेंगे। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, चलो अब बहुत मस्ती करते हैं, अब तो ये शाम को उठेगी, हम इंजॉय करते हैं पूरा। चलो ठीक है, इंजॉय करते हैं। क्या इंजॉय, मुझे ना तुम्हारी बीवी को देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, चलो चिराग हम दूसरे कमरे में चलते हैं। अरे बाबू बहुत जगह तो है यहाँ, चलो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा उधर को कर देते हैं और फिर यही इंजॉय करेंगे। चलो ठीक है, है? धकेल लो। ये नहीं चला गिर जा कभी और जान को आ जाए यहाँ से, सही है इसके मामले। बस चलो ठीक है बाबू, तुम कितनी सोहनी हो, जब तुम चलती हो ना बिल्कुल मुर्गी की तरह चलती हो, तुम्हारी ना मुर्गी जैसी चाल है। ओह चिराग, तुम्हें तो तारीफ करनी भी नहीं आती, मुर्गी की चाल नहीं होती वो, मोरनी की चाल होती है, तुम तो मूड खराब कर देते हो सारा, तुमने सिर में दर्द कर दिया, तुम्हारे तो पास ही आना बेकार है। घर से आई थी इंजॉय करूंगी अच्छे से रहूंगी, लेकिन तुमने ना सारा मूड खराब कर दिया। मुर्गी जैसी लगती हूँ मैं, मुर्गी जैसी चाल, तारीफ करनी भी नहीं आती बिल्कुल। अरे बाबू वो मुर्गी नहीं, वो मोरनी जैसी चाल, वो ना मैं भूल गया था, मेरे मुंह से निकल गया। अरे मेरा बाबू तुम तो मोरनी से भी अच्छी हो, तुम्हारी ना आंखें भी लोमड़ी जैसी है। तुम्हें तो तारीफ करनी बिल्कुल नहीं आती, किसी से बेइज्जती करवानी हो वो तुमसे सीख ले, अभी तो मुर्गी की तरह चाल हो रही थी, अब लोमड़ी की तरह आंखें हो रही हैं, लोमड़ी की तरह आंखें नहीं होती, हिरनी की तरह आंखें होती हैं। तू क्यों बुरा मान रही है यार, मुंह से भी तो निकल जाता है कभी कभी। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी हमारी जुबान नहीं फिसल जाती? अरे बाबू ऐसा नहीं है, मेरी जुबान फिसल गई थी। चलो आओ, चलो ठीक है बाबू एंजॉय करते हैं। अरे नहीं यार, मुझे ना तुम्हारी बीवी यहाँ पे पड़ी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मूड ही नहीं बन रहा इसे देख देख के, चलो दूसरे रूम में चलो। चलो ठीक है बाबू, दूसरे कमरे में चलते, चलो चलो चलो। अच्छा तुम क्यों दूसरे रूम में जाते हो, मैं चली जाती हूँ, आप दोनों यहीं रहो एंजॉय करो। अरे चिराग ये कैसे जग गई, इसको तो तूने चार चार नींद की गोली दे रखी थी। अरे मुझे क्या पता ये चार चार नींद की गोली भी सटक गई और फिर भी इसको नींद नहीं आई। क्या बड़बड़ा रहे हो दोनों आराम आराम से। अरे वो क्या वो, अरे क्या वो बोलती बंद हो गई है तुम्हारी, कौन है ये? हाँ तुम्हारा नाम की शर्म तो है नहीं बिल्कुल भी, बीवी तुम्हारी बराबर में बैठी है, बराबर में लेटी है और तुम एंजॉय कर रहे हो लड़कियों के साथ, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है? अरे मैं सात के सात दिन ऑफिस जाती हूँ, मैं संडे वाले दिन घर रहती हूँ, अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड तो क्या करते, मुझे नींद की गोली देके तुमने इस आदमी को बुला लिया। अरे वो सिल्की ये ना उन्होंने रोबिन भाई साहब ने भेजी थी काम के लिए, के मैंने उसको कहा था कि मुझे काम के लिए कोई झाड़ू पोछे वाली चाहिए। हाँ 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 हाँ, रोबिन भाई साहब ने ही भेजा था मुझे कि त्यागी जी के वहाँ पे चले जाओ, उनको काम वाली की ज़रूरत है, तो मैं उसी चीज़ के लिए आई थी। वाह क्या बात है, रोबिन भाई साहब ने तुम्हें काम के लिए भेजा और तुम आते ही बेड के नीचे घुस गई है ना, ये तो नथ पहन के आई है शानिया मिर्जा की तरह, अपने आप को हीरोइन समझ रही है क्या तू, पागल समझ रही है मुझे, ये सच समझ के आई है यहाँ? अरे जब तू काम के लिए आई थी तो काम की बात करती, यहाँ बेड के नीचे क्या कर रही है तू? तुम दोनों मुझे पागल समझ रहे हो क्या, बेवकूफ हूँ मैं जो तुम ये बातें कर रहे हो ना, हिरनी जैसी चाल और मोरनी जैसी चाल, ये तुम्हारी सब बातें मैंने सुन ली है, और क्या बोल रही थी, नींद की गोली दी है चार चार, जो तुमने मुझे नींद की गोली दी थी ना चाय में मिलाकर, वो चाय मैंने पी नहीं थी, वो मैंने सिंक में गिरा दी थी, आई समझ में? वो दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे इन्होंने ही फोन करके बुलाया था, नहीं तो मैं तो आ भी नहीं रही थी, ये मुझे फोर्स करने लगे इसलिए मैं आ गई। ये बोलने लगे कुएं में गिर जा, गिर जाएगी तू, गिर जाएगी क्या,
दीदी सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या सॉरी, क्या सॉरी? और हाँ, ये थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम मेरे पति के साथ यहाँ याशिया कर रही थी, बल्कि इसलिए मारा है कि तुम आने वाले टाइम में आगे से किसी का घर बर्बाद करने से पहले इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई दे। अब निकलो यहाँ से। और हाँ, तुम ना कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारे साथ तो रहना ही बेकार है। जा रही हूँ मैं इस घर से, तुम ही रहो यहाँ अकेले।